नाप के दिखाओ मोदी जी की किसने नापी है। ये तो देखो किसान दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने नापी है, और ये असली किसान है, देश के किसान की शान है। बता दिया कि 56 इंच ऐसी होती है। अरे तो मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं आप है? मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं। मोदी जी का भी बाप है ये। मोदी क्या चीज है? क्या चीज है मोदी? मोदी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री है, आएगा जाएगा। ये किसान का बेटा है, किसान का बेटा। आंदोलन जी भी कह दो, मैं तो मौत का सौदागर जी भी कह सकता हूँ उसको, मैं तो फोटो सेशन जी भी कह सकता हूँ मोदी को, मैं तो झांसा राम जी भी कह सकता हूँ, क्योंकि हाथ पर तोते को बैठाने जा रहा था, तोते ने भी मना कर दिया कि झांसा राम तेरी झांसे में नहीं आऊँगा, वरना मेरी गर्दन मरोड़ देगा तू तो। हमें वो फार्मूला दे दे जो इन्हें अपने बेटे को दे रखा है, जैसा को 50,000 से 1 साल में 80 करोड़ करने वाला, वो फार्मूला दे दे किसान को, कि अपने बेटे को फार्मूला दूसरा और किसान को फार्मूला दूसरा। क्यों भाई, देश में एक देश एक विकास, एक ही काम तो कानून चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोनी। मैं मौजूद हूँ यूपी बॉर्डर पे, हमारे साथ मौजूद है हरेंद्र ताऊ जी, देख सकते हैं। और आप ये जो पोस्टर लगा हुआ आप देख सकते हैं राकेश टिकैत जी का, इसमें जो स्केल बना हुआ है और 56 इंच का जो है सीना नाप करके जो है किसान भाई दिखा रहे हैं। इनसे बातचीत करते, क्योंकि जो डायलॉग है काफ़ी फेमस हुआ था कि 56 इंच का सीना है, तो जाहिर सी बात है कि किसी से पीछे नहीं हटेंगे। आइए बातचीत करते हैं उनसे। तस्वीर लगाइए, क्या है इसका राज? 56 इंच की जो तस्वीर लगाई है, कभी मोदी जी 56 इंच लगाए थे, अब टिकैत साहब को 56 इंच लगा रहे हैं। नाप के दिखाओ मोदी जी की किसने नापी है। ये तो देखो किसान दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने नापी है, और ये असली किसान है, देश के किसान की शान है। बता दिया कि 56 इंच ऐसी होती है। अरे तो मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं आप है? मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं। मोदी जी का भी बाप है ये। मोदी क्या चीज है? क्या चीज है मोदी? मोदी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री है, आएगा जाएगा। ये किसान का बेटा है, किसान का बेटा ही रहेगा, किसानों का नेता है, मरते दम तक किसानों का नेता रहेगा। वो 56 इंच कानून वापसी करवाने आए हैं या फिर सीना नपवाने आए हैं? ये तो एक दिखाया है, टेलर है, इन लोगों ने दिखा दिया है, किसी ने पोस्टर बना दिया है। तो मोदी जी देश चलाने आए हैं या तबला बजाने आए हैं? तबला बजाते हैं मोदी जी? ये देश चलाना और तबला बजाना एक काम है? नहीं, कहावत बताओ। कहावत तबला बजा रहे हैं मोदी जी जाके बनारस में? तो देश चलाने के लिए भेजा, तबला बजाने के लिए भेजा? देश चलाने के लिए भेजा है या फर्जी संसद में रोने के लिए भेजा है? आप रोए तो टिकैत साहब भी थे। टिकैत साहब रोए थे, देश में जन सैलाब आ गया देखा, और फर्जी देशद्रोही रोया संसद में, तो उत्तराखंड में मौत का सैलाब आ गया। ये होता है अंतर। कैसे कह सकते हैं देशद्रोही, फर्जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्यों, क्या प्रधानमंत्री को कह दिया? मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा, मैं मोदी को कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री देश, प्रधानमंत्री तो वही है। नहीं है, वो हमेशा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है, मोदी सम्मानित पद नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, आज तो वही है, इस समय तो वही प्रधानमंत्री। तो मैं तो मोदी की बात कर रहा हूँ, है कि जब जब रोया है देश का विनाश हुआ है, देश का विनाश हुआ। नहीं, ये सब चीजें जो है कहावतें ही सही लगती हैं, आपने तो सच में ही नाप के दिखा दिया। क्यों कहावत का झूठ? हम झूठ नहीं बोलते हैं उसकी तरह, झांसा नहीं देते हैं। उसकी नापने वाले के किसी एक की तस्वीर दिखाओ, कौन से दर्जी ने नापी है? और यहाँ दोनों किसानों ने अपनी तस्वीर दी है कि हाँ हमने नापी है, दिखाया ना। तो ये एनिमेशन है या सच्ची मुच्ची में नाप दी थी? अरे सच में ही नाप दे किसान। हाँ, अगर सरकार अपनी पे आ जा तो इस सच में सरकार को भी नाप देंगे हम तो। ठीक है, आप लोगों ने नाप लिया, लेकिन यहाँ इतना बड़ा पोस्टर लगवाने के पीछे कारण क्या है? क्यों, यहाँ कोई कलाबाजी करने आए हम यहाँ? अरे किसान नेता है हमारा, आंदोलन नहीं करना हमने। नहीं तो इस 56 की जगह आप लिखाते कानून वापसी करो, ये लिखवा देते। हाँ, उसके भी लग रहे ना, और तुम्हें यही दिखाई दिया है? नहीं नहीं, पत्रकार महोदय यही दिखाई दिया? अरे नीचे भी पोस्टर लग रहा ना, कई जगह जगह लग रहा, नजर पड़ गई। तो लग रहा, दिखाया है कि तुम जैसो के उससे कैमरे से फर्जी राष्ट्रभक्त के दौरे तक पहुंच जाए। अच्छा, इस 56 वर्ष 56 मोदी जी के 56 दिखाई दे रहे हैं, इनके 56 दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कहीं 2024 की तैयारी की जा रही है? किसकी, हमारी? हाँ नहीं, हम तो करेंगे, हम क्यों ना करेंगे, हम वोटर ना। हाँ।
अरे किसान तो सरकार बनाता है और किसान ही सरकार उखेड़ता है। टिकैत साहब आप जगह घूम रहे हैं तो हाँ। लोग सवाल उठाएंगे, अब देखिए आप 56वीं 56 नाप ला जा रहे हैं तो सारा तो कंपेयर किया जा रहा है। अगर कहीं जाए तो तबाही, ना जाए तो तबाही। तो किसान टिकैत साहब देश में नहीं जा रहे, पंचायत करने देश में नहीं जा रहे। अब देश में गए तो टिकैत साहब देश में पंचायत करने क्यों जा रहे? अरे भाई क्या कराओ किसान नेता से? किसान नेता का काम है लोगों को जमाना, बताना इस कानून के बारे में, बताना कि सल्फास आ गया है, बच के रहना। और क्या करेगा किसान नेता? अच्छा ये बताइए कि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कह रहे हैं कि तैयारी किस बात के लिए? इतनी सारे खाप पंचायतें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इतने किसानों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है जब बैठे हैं आराम से यहाँ पर? कभी तो तुम मुट्ठी भर बता दो, तभी पत्रकार बताओ कि मुट्ठी भर किसान है भाई, मुट्ठी भर। आज किसान थोड़े ज्यादा से हो गए, पूरे किसानों का सैलाब आ गया। अरे पहले तुम्हें डिसाइड कर लो भाई क्या कहना चाहो। खाप पंचायतों का क्या? खाप पंचायत अंग्रेजों के जमाने से फैसले करती आई है, तो ऐसे ही होगा, तो ऐसे ही होगा। खाप पंचायतें भी परजीवी बताया जा रहा है, आंदोलनजीवी बताया जा रहा है, तमाम आ रहे हैं। हाँ तो है, हम तो आंदोलनजीवी, किसने मना करा? मुझे फख्र है कि मैं इस देश में आंदोलनजीवी हूँ, मुझे फख्र है। क्यों? क्योंकि इस देश को आंदोलन जीवियों ने ही आजाद कराया, सरकार के तलवे चाटने वालों ने नहीं, देशद्रोहियों ने नहीं आजाद कराया, देशभक्तों ने कराया। अच्छा आंदोलन जीवी तो उसे कहते थे हर बात पे आंदोलन कर देना, हर बात पे आंदोलन हाँ कर तो, देना। ठीक है हाँ। तो हर बात पे करें ना, अगर सरकार गलत करेगी तो आंदोलन भी ना करें। अरे देश की जनता के पास एक ही तो अधिकार है कि सरकार अगर गलत करेगी और मानती नहीं है तो आंदोलन करें, यही तो है। ये थोड़ा ही अगर जाके प्रधानमंत्री ये थोड़ा ही करेंगे, आंदोलन करके अपनी बात ही तो रखेंगे और आंदोलन करेंगे। अब तुम उसे आंदोलन जी भी कह दो, मैं तो मौत का सौदागर जी भी कह सकता हूँ उसको, मैं तो फोटो सेशन जी भी कह सकता हूँ मोदी को, मैं तो झांसाराम जी भी कह सकता हूँ, क्योंकि हाथ पर तोते को बैठाने जा रहा था, तोते ने भी मना कर दिया कि झांसाराम तेरी झांसे में नहीं आऊँगा वरना मेरी गर्दन मरोड़ देगा तू तो। आंदोलन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं ब्रो? क्या आंदोलन पर सवाल खड़े क्यों? देखिए ये तो उनसे पूछो जिस जो आदमी आंदोलन पर सवाल कर रहा, वो नहीं चाहते देश में कोई विरोध करे, क्योंकि आज तक वो देश में विपक्ष में रहे हैं तो हमेशा सरकारों का विरोध किया है, उनको नहीं। अब भी वह सोच रहे हम विपक्ष में ही हैं। अरे अब आप सरकार में हो तो आप गलत करोगे, आपको भी विरोध सहना पड़ेगा। और देश में अगर स्टूडेंट विरोध करते हैं तो उनको देशद्रोही कहा जाता है, देश में टीचर विरोध करते हैं उनको देशद्रोही कहा जाता है, देश में कर्मचारी विरोध करते हैं उनको देशद्रोही कहा जाता है, देश में मुस्लिम विरोध करते हैं उन्हें पाकिस्तानी देशद्रोही कहा जाता है, और किसान विरोध करता है तो किसान को तो इतनी संज्ञा दे दी कि अब इनके पास तो सारी डिक्शनरी में कोई शब्द बचा नहीं होगा। मोदी जी कहते रहे घर जाइए बैठ के जीत की बात कर लिया जाएगा बाद में, पर मोदी जी आप जो है अहमदाबाद जाइए सरकार चलती रहेगी बाद में, किसान भी कह रहा। अच्छा वो ऑप्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुराना कानून रखना है पुराना रखिए वरना नया कानून तो है ही बना ही दिया। अच्छा नया वापस कर देना, पुराना चलने दे, हम कदमा न कर रहे। कहो अब तुमने कहा ये मोदी ने ये कहा, जाके कहो मोदी से कि किसान नया कानून नहीं चाहते। वो कह रहे छोटे किसानों को बहुत फायदा इससे है, छोटे किसान। हाँ अब किसानों में फेर बांट दो। मैंने बताया है कि इस सरकार की एक ही नीति है, फूट डालो राज करो। पहले पहले पंजाब के किसान, फिर हरियाणा के किसान, फिर उत्तर प्रदेश के किसान, फिर टुकड़े टुकड़े नक्सली पाकिस्तानी सब कह लिया, अब बड़ा किसान और छोटे किसान में बांट रहा है किसानों को। क्यों बांट रहा भाई? बड़ा किसान और छोटा किसान क्या होता है? अरे चाहे वो एक बीघे का किसान है, चाहे हजार एकड़ का किसान है, किसान किसान है। किसानों बोलते बोलते वो भावुक भी हो गए मोदी, अब तो बात है, अब तो इतने भावुक हो गए मोदी जी। क्या भावुक हुए संसद भवन में? क्या भावुक हुए संसद भवन में? वो किसानों पे भावुक हुए, उसके 3-4 यार संसद छोड़ के गए उन पे भावुक हुए। संसद में उसने कहा है 200 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी, उस पे भावुक हुआ है, बोला एक शब्द, श्रद्धांजलि दी है एक शब्द। फेविकोल से नहीं चिपका उनका होट, फेविक्विक से चिपके हैं। कह रहे हैं आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों में जो है काफी अंतर है, तो आंदोलनजीवियों से देश को बचने की जरूरत है। पहले उनसे ये पूछ कहो आप साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं या झांसाराम हैं?
पूछ का उनसे, हर चीज पे वो सलाह देगा। वो प्रधानमंत्री है, है? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को रखे। अगर प्रधानमंत्री है, झांसा राम ना बने, देश का विनाश ना करे, दलाल ना बने अडानी अंबानी का, जमीन बेच दूंगा, आसमान बेच दूंगा, चमन बेच दूंगा। अरे किसानों हो, जमीन बेच दी, आसमान बेच दिया, चमन बेच दिया, बची किडनी, कह रहा बेच दूंगा तो नंबर किडनी का ही और हम पे है क्या? देश का विकास होगा, है? देश का विकास होगा इन सब चीजों किडनी बेच के। देखिए सारी बीजेपी, सारी आरएसएस, सारी सरकार, किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होगी, कैसे होगी पता नहीं, इसी फॉर्मूले से होगी। ये जो कानून आया इसी से, अमित शाह कह रहे हैं इसी से होगी, है? अमित शाह कह रहे हैं इसी से। हमें वो फार्मूला दे दे जो इन्हें अपने बेटे को दे रखा जैसा को 50,000 से एक साल में 80 करोड़ करने वाला, वो फार्मूला दे दे किसान को, कि अपने बेटे को फार्मूला दूसरा और किसान को फार्मूला दूसरा। क्यों भाई, देश में एक देश एक विकास, एक ही काम तो कानून चलेगा। अच्छा आखिरी सवाल, इसे शुरुआत से खत्म करेंगे, मोदी 56 इंच बताए थे, उनके कार्यकर्ता 56 इंच बताए थे, अब आप भी 56 इंच बताने लगे, फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? फर्क ये है कि ये देश का असली किसान है और वो देश का है। ये किसान है। अच्छा और बता दूं, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। इस बार किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि मोदी जी आपको पढ़ना मुश्किल होगा। बहुत बहुत